होती है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इसने रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट क्या दी, ही गेव अ थ्योरी, ही गेव अ थ्योरी नोन एज, उस थ्योरी का नाम क्या था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक उसने क्या बताया, उसने ये समझाने की हमें बहुत सारे चीजें समझाने की कोशिश, किसने बताया कि ये जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी शाबाश टाइनी पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को उसने नाम दिया क्या, शाबाश, कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स, याद रखिएगा। तो ये था इसका मेन पॉइंट इसमें। तो इसने क्या बताया, इसने बताया दिस कॉर्पस्कल्स, दिस टाइनी पार्टिकल्स, ये निकल रहे हैं विच आर इमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, विच आर, हम ये भी लिख सकते हैं, अब ये भी लिख सकते हैं शॉट आउट और इमिटेड बाय, कहां से निकल रहे हैं, अब बाय ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये है इसकी थ्योरी का मेन पॉइंट। तो ये जो कार्पस्कल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही टिनी, इसने बताया ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये कार्पस्कल्स, कार्पस्कल्स अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, टिनी कार्पस्कल्स आर टिनी मासलेस, मासलेस मतलब इनका मास इतना है, इतना कम है, इतने कि हम इनका मास क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल, मासलेस, मासलेस का मतलब क्या है यहाँ पे, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल पार्टिकल्स। ये मैं न्यूटन की थ्योरी की बात कर रहा हूँ जो उसने दी थी, इसका नाम क्या है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। पहला पॉइंट क्या बताया इसने, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्कुलर्स, दिस कॉर्पस्कुलर्स आर शॉट आउट और इमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो कहाँ से निकलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलते हैं। और दूसरा इसने क्या बताया, ये कॉर्पस्कुलर्स इतने छोटे होते हैं कि इनका मास हम क्या मान के चलते हैं, शाबाश, बहुत ही कम मान के चलते हैं। और उसने ये बताया कि दे आर इमिटेड फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एलो हम लिखेंगे अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एट अ वेरी हाई स्पीड, ये बहुत तेज रफ्तारी से निकलते हैं, कहाँ से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, और स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसने बताया। जो ये सौर से निकलते हैं, चाहे वो छोटा सौर सो, चाहे वो बड़ा सौर सो, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो सन हो, किस रफ्तार से निकलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 × 10⁻⁴, शाबाश, 6 × 10⁻¹⁰, 10⁻³⁰, 1000, 10,000 and lakh, 1 is 10 is 100,000, 10,000,
किलोमीटर पर सेकंड, अगर मीटर 3 × 10⁻¹ अबाउट 8 मीटर पर सेकंड। तो ये है रफ्तार जिसकी जो इसने बताया, जो न्यूटन ने हमें आइडिया दिया कि किस रफ्तार से निकलते हैं। तो न्यूटन ने जो हमें समझाया कि हर कोई जो पार्टिकल है, हर कोई जो ये कॉर्पस्कल है, ये क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है इन ऑल डायरेक्शंस इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट मींस अगर कोई सोर्स है, सपोज ये सन है, इसने क्या समझा, अगर ये सन है तो यहाँ से भी निकलती है लाइट, यहाँ से भी मार, कैसे निकलती है, इन अ स्ट्रेट लाइन। ये था इसका मेन पॉइंट। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स इन ऑल डायरेक्शंस, ये है इसका मतलब। दैट मीन्स इस स्ट्रेट लाइन में चलने को क्या कहा गया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, न्यूटन ने क्या बताया कि दैट एवरी पार्टिकल ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कॉर्पस्कल्स है ये ट्रैवल कर रहे हैं इन ए स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के ट्रैवल करने को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। या शाबाश, लाइट ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शंस in a straight line at a constant speed. This is known as, इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, this is known as rectilinear propagation of light। सपोज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये आपको याद रखना है। सपोज मैं एक कैंडल लूंगा, यहाँ पे ये कैंडल है। तो मैंने इस कैंडल की फ्लेम के सामने क्या लिया, एक ड्रिंकिंग सॉ लिया। तो जब मैंने यहां से देखा तो लाइट यहां से मुझे दिखाई दी। अब मैंने और एक क्या लिया, शाबाश, कैंडल लिया। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने ड्रिंकिंग सॉ लिया ऐसे, टेढ़ा ड्रिंकिंग सॉ लिया। फिर मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश की, तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दिया लाइट। क्यों, क्योंकि ये टेढ़ा है, क्योंकि लाइट ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो लाइट यहाँ नहीं पहुँच पाई। इसका मतलब है कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि ये जो लाइट है ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन शो करती है। तो अब सवाल है, न्यूटन ने जो इतना बताया, पहला पॉइंट इसने क्या बताया, याद रखना है आपको इसकी थ्योरी का क्या है, इसने नेचर ऑफ लाइट के बारे में इसने क्या बताया, क्योंकि मैंने बताया 1678 में आ गया। इसने बताया कि इसने एक थ्योरी दी, उसका नाम क्या है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसने क्या बताया, जो ये लाइट है, जो किसी भी सोर्स से लाइट निकलती है, ये कंसिस्ट, ये बनी हुई है छोटे छोटे जारों की, और उसने उन छोटे छोटे जारों का नाम क्या रखा, कॉर्पस्कल्स। तो उसके बाद उसने क्या बताया, ये जो कॉर्पस्कल्स है, ये जो टिनी पार्टिकल्स है, इतने छोटे हैं कि इनका मास हम क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल। और एक पॉइंट इसने बताया कि ये जो कॉर्पस्कल्स है ये बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं, और उस रफ्तार भी उसने बताया 3 × 10⁻⁶
किलोमीटर पर सेकंड हम सीधे बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या अगर मीटर में हम बोलेंगे तो 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद उसने क्या बताया कि जब भी ये लाइट किसी सोर्स से निकलती है, ये चाहे किस डायरेक्शन से निकले, ये हमेशा ट्रैवल कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन। और इस फिनोमेना और ये भी बताया कि जब भी किसी सोर्स से लाइट निकलती है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। और इसने ये भी बताया कि इस फिनोमेना को, स्ट्रेट लाइन में चलने की फिनोमेना को उसने क्या बताया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब सवाल है इस जो ये नेचर एक्सप्लेन किया न्यूटन ने, इससे कौन कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है? इससे बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे हैं। सपोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर आप देखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो इससे एक्सप्लेन हो रहा है, शेडो फॉर्मेशन इससे एक्सप्लेन हो रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और शेडो फॉर्मेशन इस फिनोमेना से एक्सप्लेन हो रहा है।